दोस्तों, अगर आपको सीरीज एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट है तो एग्जैक्टली सेम रीजन के लिए मैंने न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल शुरू किया है, जहां पर ऑलरेडी मैंने न्यू सीरीज की वीडियो पब्लिश की है और वहां भी मैं डेली 2 वीडियोस पोस्ट करूंगा। इसलिए यदि आपको जरा भी सीरीज में इंटरेस्ट है या आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज मेरे न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पोस्टेड सीरीज एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में एक म्यूजियम का सीन दिखाया जाता है, जहां जैक नाम का आदमी अपने मुंह पर मास्क लगाए चोरी करने आया होता है। वो गार्ड से छुपते हुए एक कमरे में आता है, जहां एक सीक्रेट दरवाजा होता है और फिर वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाता है। पर तभी उसे एक पेंटिंग के पीछे किसी चीज के होने का आभास होता है और जब वो पेंटिंग हटाता है तो उसे वहां एक तिजोरी दिखाई देती है, जिसमें किसी तरह की लकड़ी का टुकड़ा होता है और उस टुकड़े में प्राचीन भाषा में कुछ लिखा भी होता है। जैक अब जैसे ही उस टुकड़े को हटाता है तो म्यूजियम का अलार्म बजने लगता है, जिससे सारे और मैनेजर अलर्ट हो जाते हैं और तुरंत उस लकड़ी के टुकड़े की तरफ भागते हैं। जैक अब उस टुकड़े की फोटो लेकर वहाँ से भागने ही वाला होता है कि तभी उसके सामने गार्ड्स आ जाते हैं, जिससे दोनों में लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में जैक का कैमरा टूट जाता है। इसलिए वो गार्ड्स को मारकर उस टुकड़े को ही लेकर म्यूजियम से भाग जाता है। अब जैक अपनी दोस्त लिस को फोन करके कहता है कि हमें वो मिल गया, लेकिन उसकी ये बात कोई अनजान इंसान भी सुन रहा होता है। फिर अगले हम इजिप्ट में कुछ लोगों को खुदाई करते हुए देखते हैं, जहां एक आदमी को लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा मिलता है, जिसे लेकर वो तुरंत एल्बर्ट नाम के आदमी के पास आता है और तभी वहां ट्रेजर हंटर अली और उसकी असिस्टेंट नादिया आ जाती है, जो एल्बर्ट को गवर्नमेंट पेपर दिखाकर कहती है कि तुम्हें गवर्नमेंट की तरफ से यहां खुदाई ना करने का नोटिस मिला है, क्योंकि तुम यहां गलत तरीके से खुदाई कर रहे हो। और इतना कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं, पर नोटिस देख एल्बर्ट को गुस्सा आ जाता है और अपने साथी बर्नर्ड के साथ मिलकर वहाँ काम कर रहे सारे लोगों को मार देता है, क्योंकि उसे लगता है कि इन्हीं में से किसी ने सरकार तक ये बात पहुँचाई है। दूसरी तरफ जैक अपने ऑफिस आता है, जहाँ वो प्रोफेसर शेफर का असिस्टेंट है। वहीं शेफर बच्चों को लेक्चर दे रहे होते हैं कि आज से कई सौ साल पहले उगारित नाम का काफी खूबसूरत शहर सीरिया में हुआ करता था, जहाँ एक राजा के पास आयरिस नाम का एक जादुई भाला था, जिस पर सूरज की रोशनी पड़े तो उस भाले से काफी ज्यादा रोशनी निकलती है, जो किसी भी चीज को जला सकती थी। और इसके साथ उनके पास एक तारे जैसी चीज भी थी, जिसका नाम आय था, और यदि आयरिस और आय को मिला दिया जाए तो वो बहुत ही शक्तिशाली हथियार बन जाता था। लेकिन इजिप्ट के फैरो एमेनोटेप 4th ने सीरिया पर हमला करके वहाँ के सारे खजाने को लूट कर इजिप्ट ले गया, पर कहा जाता है कि वहाँ के लोगों ने कुछ खजाने को बचा लिया और उस खजाने तक पहुंचने के लिए उस समय के लोगों ने लकड़ी के टुकड़े पर कुछ कविता लिखी, जिसे समझने पर ही उस खजाने तक पहुंचा जा सकता है। और अब भी उगारित की पीढ़ी के लोग उस खजाने की रक्षा करते हैं और हमारी एक टीम जो इजिप्ट में एमेनोटॉप द्वारा चुराए गए उगारित के खजाने की तलाश कर रही है और उस टीम को लीड आर्कियोलॉजिस्ट लेना कर रही है। अब जैक शेफर को फोन करके कहता है कि मैं वो चीज ले आया, जो सुनकर वो बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद शेफर ऑफिस आकर लकड़ी के टुकड़े की जांच करने लगते हैं और जैक को उसमें लिखी हुई कविता सुनाकर कहते हैं कि हमें अब सीरिया जाना होगा, क्योंकि इस कविता में उगारित के खजाने का नक्शा है। लेकिन जैक कहता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, क्योंकि इससे पहले जब मैं आपके साथ वहाँ गया था तो बस हम भागते रह गए थे। पर शेफर उसे समझाते कि उगारित की प्राचीन भाषा तुम ही समझ सकते हो, इसलिए मेरे साथ चलो। लेकिन फिर भी जैक मना करके वहां से चला जाता है। अब रात को शेफर कविता के अनुसार उगारित के नक्शे पर निशान बनाने लगते हैं और तभी वहां एक आदमी आकर उन्हें शूट करके मार देता है और उस लकड़ी के टुकड़े को अपने साथ ले जाता है। अब अगले दिन जब जैक ऑफिस आता है तो वहां शेफर को मृत देख काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके माता पिता के मरने के बाद शेफर ने उसे माता पिता दोनों का प्यार दिया था। वहीं जैक को वहां वो नक्शा भी मिलता है, जिस पर शेफर ने निशान
निशान बनाया था। इसलिए अब जैक सीरिया जाने का तैयारी करने लगता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शायद अली ने ही खजाने के लालच में शेफर को मारा है। जैक अब सीरिया जाता है जहां उसे लेने तारिक नाम का ड्राइवर और नादिया आई होती है, जो जैक से कहती है कि अली आज तुमसे नहीं मिल पाएंगे लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ रखा है। इसलिए सभी तारिक की जीप में सवार होकर एक आदमी के पास आते हैं जो जैक को अली का दिया हुआ एक पेपर देता है, पर तभी कुछ लोग जैक पर हमला करके उस पेपर को छीनने की कोशिश करते हैं, पर जैक उनसे लड़कर उन्हें मारता है। पर वो ज्यादा लोग थे इसलिए वो नादा के साथ तारिक की जीप में सवार होकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब जैक होटल में आकर अली का दिया हुआ पेपर देखता है जिसमें उगारित का नक्शा बना होता है और उसमें भी कविता के अनुसार निशान लगे होते हैं। वो अब लिस को फोन करके अभी का उगारित का नक्शा मंगवा कर अली के नक्शे से कंपेयर करता है, जिसके बाद वो नादिया के साथ एक रेस्टोरेंट में आकर उसे अली के दिए हुए नक्शे की जानकारी देता है कि उस नक्शे के अनुसार खजाना एक नदी के नीचे है, पर ये गलत है, अली हमें गलत जगह भेजना चाहता है ताकि हम खजाने तक ना पहुंच सके, क्योंकि शेफर ने किसी बिशरी पहाड़ पर निशान लगाया था। और तभी वहाँ एल्बर्ट आ जाता है जो जैक से कुछ बातें करके अपने रशियन माफिया दोस्तों के साथ बैठ जाता है, जो देख नादिया जैक से सवाल करती है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो, जिस पर जैक कहता है कि हम दोनों साथ में रशियन माफिया के लिए काम करते थे लेकिन बाद में मुझे इस गलत काम से शेफर नहीं बचाया और तब से ही मैं उसे जानता हूँ। अब रात को जैक अपने कमरे में सो रहा होता है कि तभी उसके घर में कुछ लोग घुसकर अली का दिया हुआ नक्शा चुराने की कोशिश करते हैं। जैक भी उन पर हमला करता है लेकिन वो लोग नक्शा लेकर तब तक भाग जाते हैं और तभी वहाँ देरी से नादिया आ जाती है। जैक अब उससे कहता है कि हमें तुरंत अली के पास जाना होगा क्योंकि वही ये सब कर रहा है, पर नादिया समझाती कि अली ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, पर वो एक नहीं सुनता और तारिक को फोन करके बुला लेता है। इसलिए नादिया को भी जैक के साथ जाना पड़ता है, पर वहीं उन पर कोई नजर रखे हुए होता है। अब रास्ते में वो सभी पेट्रोल भरवाने एक जगह रुकते हैं और तभी नादिया को कोई फोन करके कहता है कि अली की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, जो सुनकर वो काफी दुखी हो जाती है। और अब जैक समझ जाता है कि इन सब में अली का हाथ नहीं है, कोई और ही है जिसने अली और शेफर को खजाने के लिए मार दिया। इसलिए फिर वो नादिया को शेफर का निशान लगाया हुआ नक्शा दिखाकर कहता है कि जो भी खजाने के पीछे है उसके पास अली का नकली वाला नक्शा है और वो उस नक्शे के अनुसार खजाने के लिए समुन्द्र में जाएगा लेकिन हम शेफर के निशान लगाए हुए जगह पर जाएंगे, इसलिए वो दोनों निशान के अनुसार बिशरी पहाड़ के लिए निकल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए कुछ लोग अपनी जीप से उनकी जीप पर हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए जैक की जीप एक डेड एंड में फंस जाती है। वो अब कहता है कि शायद वो लोग अब हमारे पीछे नहीं है, इसलिए तारिक जीप संभालता है और जैक और नादिया दोनों आगे का रास्ता ढूंढने लगते हैं। पर तभी पहाड़ के पीछे छुपे कुछ लोग उन पर हमला करने लगते हैं और उनसे बचते हुए वो दोनों फिर से जीप के पास आ जाते हैं, पर तारिक मदद मांगने के लिए वहाँ से चला गया होता है। फिर तभी वहाँ एल्बर्ट अपने साथियों के साथ आकर पहाड़ के पीछे छुपे हुए लोगों को मार देता है। वो अब जैक से कहता है कि भाग्य से हम यहाँ से गुजर रहे थे इसलिए हमने तुम्हें बचा लिया, पर जैक को उसकी गाड़ी में डाइविंग सूट दिखाई देता है जिसे देख वो टॉन्ट मारता है कि तुम गुजर रहे थे या हमारा पीछा कर रहे थे और तुम अभी अली के नक्शे के अनुसार समुन्द्र में गोता लगाने जा रहे हो। मुझे अब सब समझ आ गया कि तुमने ही खजाने के लिए शेफर को मारा है, जो सुनकर एल्बर्ट जवाब देता है कि सच में तुम्हारा कोई जवाब नहीं, और इतना कहकर वो सभी को बंदी बना लेता है। अब एल्बर्ट नादिया की गर्दन पर चाकू रखकर जैक से सवाल करता है कि बताओ मुझे कि अब कहाँ जाना है, इसलिए नादिया को बचाने के लिए जैक उसे बिशरी पहाड़ के बारे में बता देता है, जिसके बाद एल्बर्ट वहाँ से निकल जाता है। पर तभी वहाँ तारिक आकर जैक और नादिया को छुड़ा लेता है और अब वो तीनों वहाँ से बाहर रेगिस्तान की तरफ भागने लगते हैं। अब अगले दिन जब सभी पहाड़ पर होते हैं तो उन पर एक आदमी नजर रखे होता है। अब काफी समय तक चलते रहने के कारण वो सभी अब
बुरी तरह से थक गए होते हैं, पर तभी उन्हें एक छोटा घर दिखाई देता है, इसलिए वो सभी वहाँ चल देते हैं, जहाँ एक आदमी हसन उन्हें पानी देता है, जिसका जैक उसका धन्यवाद करते हुए कहता है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या हम कुछ समय यहाँ रुक सकते हैं। जिस पर हसन मान जाता है। वो अब जैक और नादिया को एक खूबसूरत जगह लेकर आता है, जहाँ सामने पहाड़ की चोटी पर दो आंखों जैसे होल बने होते हैं, जिसके पीछे सूरज होता है। जो देख जैक को कविता याद आती है कि खजाना आग उगलती आग के नीचे है, इसलिए वो तुरंत नादिया से कहता है कि हम हसन के घोड़े चुरा कर उस पहाड़ पर जाएंगे, लेकिन नादिया उसे हसन से सीधे पूछने के लिए कहती है, इसलिए जैक उससे उसके घोड़े मांगता है, जिस पर बिना झिझक के हसन उन्हें अपने घोड़े देने के लिए तैयार हो जाता है और तारिक को भी अपनी वैन देता है, ताकि वो कुछ लोगों को जैक और नादिया की मदद के लिए बुला सके। अब जैक और नादिया दोनों घोड़े पर सवार होकर उस पहाड़ की तरफ चल देते हैं, और वो आदमी जो इन पर नजर रखे हुए था वो तुरंत एल्बर्ट को बता देता है कि जैक कहाँ जा रहा है, इसलिए वो भी अपने साथियों के साथ जैक के पीछे निकल जाते हैं। इधर जैक और नादिया के सामने बहुत ही विशाल रेत का तूफान आ जाता है, जिससे बचने के लिए वो दोनों उसी पहाड़ की गुफा के अंदर छिप जाते हैं, जहां उन्हें दीवार पर कुछ चित्र बने दिखाई देते हैं, इसलिए वो दोनों गुफा के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी उनका पैर फिसल जाता है और वो दोनों ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां चारों ओर दीवारें होती है, जिन पर छोटे छोटे ब्लॉक्स में कुछ लिखा होता है, और एक ब्लॉक को छूते ही सारे दीवार आपस में जुड़ने लगती है, जिससे यदि वो बाहर नहीं आए तो दबकर मारे जाएंगे। पर जैक को उगारित भाषा आती थी, इसलिए वो ब्लॉक्स पर लिखी भाषा को समझकर उन दीवार को रोक देता है, जिससे सामने फिर एक दरवाजा खुल जाता है, और जब वो दोनों दरवाजे के अंदर जाते हैं तो वहाँ उन्हें कुछ लोग किसी तरह का रिचुअल करते हुए दिखाई देते हैं। अब जैक और नादिया चुप कर उन्हें देखने लगते हैं, और अब रिचुअल कर रहे लोगों का लीडर, जिसने अपने मुंह पर मास्क लगाया होता है, वो अपना लॉकेट निकाल कर सामने रखे ताबूत पर रखता है, जिससे ताबूत के ठीक ऊपर छत पर लगा पत्थर हट जाता है, और फिर वहाँ से सूरज की रोशनी ताबूत पर पड़ने लगती है, जिसके बाद सभी ताबूत के ढक्कन को हटाते हैं, जिसमें वही उगारत के राजा आयरिस होता है। लीडर अब आयरिस पर सूरज की रोशनी रखता है, जिसमें से बहुत तेज रोशनी निकलकर सामने बनी दीवार को जला देती है, जो देखते ही जैक और नादिया हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद लीडर आयरिस को फिर से ताबूत में रख देता है। अब रिचुअल पूरा हो जाने के बाद लीडर अपना मास्क हटाता है, जो कोई और नहीं बल्कि अली ही होता है, जिसे देख नादिया हैरान हो जाती है और उसके मुंह से अली का नाम निकल जाता है। अब उसकी आवाज सभी सुन लेते हैं, और फिर सभी उन दोनों को पकड़कर अली के पास ले आते हैं। वो नादिया से कहता है कि मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं दरअसल उगारित की पीढ़ी से हूँ, और हमारी पीढ़ी के लोग अब भी राजा के आयरिस की रक्षा करते हैं, और मैंने ही वो गलत नक्शा बनाया था ताकि कोई भी यहाँ ना आ सके। पर जैक कहता है कि एल्बर्ट किसी भी समय आता होगा, जो आयरिस लेना चाहता है, इसलिए अब सभी तैयार हो जाते हैं, और तभी वहाँ एल्बर्ट अपने साथियों के साथ आकर सभी पर फायरिंग शुरू कर देता है, और इन सब में बेचारा अली मारा जाता है। पर फिर जैक आयरिस को ताबूत से निकाल लेता है, और उस पर सूरज की रोशनी लगाकर एल्बर्ट के साथियों पर हमला कर देता है, जिससे सभी वहीं खड़े खड़े राख में बदलकर मारे जाते हैं। पर गलती से आयरिस की शक्ति गुफा के पिलर पर भी लग जाती है, जिससे अब गुफा पूरी तरह से ढहने लगता है, और तभी नादिया का पैर फिसल भी जाता है, और वो खाई में गिरने ही वाली होती है कि एक पत्थर पकड़कर लटक जाती है। इधर जैक और एल्बर्ट लड़ रहे होते हैं कि तभी जैक को नादिया की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो एल्बर्ट को छोड़ नादिया को बचाने चला जाता है, और भाग्य से उसे बचा भी लेता है, लेकिन तब तक एल्बर्ट आयरिस लेकर गुफा से निकल जाता है। अब नादिया और जैक जैसे तैसे गुफा के बाहर आते हैं, जहां हसन और तारिक उनकी मदद के लिए कुछ सोल्जर्स को भी अपने साथ लाए होते हैं। फिर मूवी के आखिरी सीन में जब जैक और नादिया एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, ये तभी लिस जैक को फोन करके खबर कर देती है कि एल्बर्ट के पास आयरिस है, और वो अभी कायरो में है, जो राजा की तारे वाली आय को लेने जा रहा है, और यदि वो इसमें सफल रहा तो उसके पास बहुत ही खतरनाक हथियार आ जाएगा, इसलिए हमें कैसे भी करके उसे रोकना होगा।
जो सुनकर जैक सवाल करता है कि तुम ये सब कैसे जानती हो, जिस पर वो कहती है कि मैंने तुमसे अपनी सच्चाई छिपाई रखी, इसलिए तुम तुरंत यहाँ आओ, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। वहीं लीज भी अपने साथियों के साथ हर समय जैक, नादिया और एल्बर्ट पर नजर रखी हुई होती है। और इसी इनकम्प्लीट एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। पर वीडियो एंड करने से पहले दोस्तों, मेरे न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल पर पब्लिश न्यू सीरीज एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देखिएगा और सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।